Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Today we are going to start microcirculation guideline chapter 16. So I hope everybody is listening. अच्छा जी, माइक्रो सर्कुलेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ एक्सचेंज वेसल्स होती हैं, क्योंकि हम लिम्फेटिक्स और माइक्रो सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे. इसमें जो एक्सचेंज वेसल्स हैं, बेसिकली जो इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी है या न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है और आगे जो है उसमें कन्वर्ट होती है न्यूट्रिएंट आर्टरियोल्स में. ठीक है, आर्टरियोल्स आर अगेन 6 to 7 टाइम्स मोर डिवाइडेड इनटू एन मेट आर्टरियोल्स. राइट, हियर यू कैन सी दिस. And these mad arterioles are encircled with intermittent tissues or intermittent muscular walls. और यहाँ पे जहाँ पे ये intermittent muscular walls है, here it is called as mad arterioles. Or from this mad arterioles, it is again back forward into and coming forward into an pre-capillary sphincter. And here in this pre-capillary sphincter area, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो muscular wall है उसकी, जो उसकी layer है, वो continuous और intermittently नहीं है. और यहाँ से pre-capillary sphincter अगेन या मेट आर्टरियोल अगेन 5 to 6 टाइम्स और डिवाइड होता है. नाउ इट इज अ ट्रू कैपिलरीज. अच्छा, यहाँ पे जो ये जो ट्रू कैपिलरी एरिया बेसिकली एक्सचेंज एरिया यहाँ पर है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सो ऑन, मच मोर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर. ठीक है, अच्छा जी, फिजियोलॉजी क्या है इस कैपिलरी और एक्सचेंज वेसल्स की. दीज आर बिलियंस ऑफ कैपिलरीज, देयर आर द बिलियंस ऑफ कैपिलरीज इन द बॉडी. अगर उनका सरफेस एरिया देखा जाए उन सारी कैपिलरीज का, इट इज अबाउट 600 to 700 स्क्वायर मीटर. हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया अमंग द ब्लड वेसल्स. बाकी की ब्लड वेसल्स इसको अगर किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है. ठीक है, एंड दीज कैपिलरीज आर अराइज फ्रॉम मेट आर्टरियोल्स. इसका मतलब ये है कि पहले जो न्यूट्रिएंट आर्टरी थी वो कन्वर्ट ही इनटू एन आर्टरियोल, एंड दीज आर्टरियोल्स आर 5 to 7 टाइम आर डिवाइडेड इनटू एंड मेट आर्टरियोल्स, एंड मेट आर्टरियोल्स अगेन डिवाइडेड इनटू एंड ट्रू कैपिलरीज. और ट्रू कैपिलरीज और मेट आर्टरियोल्स के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि मेट आर्टरियोल्स का जो कनेक्टिव टिश्यू, जो उसके ऊपर जो मस्कुलर कोर था, जो वॉल थी उसकी, वो इंटरमिटेंट थे उसके ऊपर मस्कुलर वॉल. और वहां पे जहां से ये ट्रू कैपिलरी में कन्वर्ट होता है, वहां पे कंटिन्यूअस मस्कुलर वॉल की कैपिलरीज है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कंट्रोल करता है. बेसिकली स्फिंक्टर है जो कि कंट्रोल कर रहा है ब्लड वेसल्स को, उसकी ओपनिंग को, कि यहाँ पे इस टाइम पे ब्लड फ्लो जो है वो रन करना चाहिए नहीं. एट रेस्ट इन कैपिलरीज को हम देखें तो ये 25% पैटेंट होती है, और बाकी एट रेस्ट में इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो 0 पर चला जाता है. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर ऑफ दीज कैपिलरी वॉल्स, तो ये ऊपर आप देख रहे होंगे हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एंडोथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं. अच्छा, इस एंडोथेलियल सेल्स के अंदर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक प्लाज्मा लीमल वेसिकल नजर आ रहा है, या इसे कैब्यूला नजर आ रहा है. कैब्यूला हम कहते हैं जैसे केव्स बनी हुई होती है, छोटी सी गारें बनी हुई होती हैं. ठीक है, तो इन कैपिलरी वॉल के अंदर, एंडोथेलियल वॉल के अंदर छोटे से केव्स बने हुए हैं. ठीक है, इन केव्स को हम कैब्यूला भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमल मेम्ब्रेन वेसिकल्स भी कहते हैं. इनको अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है, दीज कैब्यूलाइज आर मेड ऑफ दीज कैब्यूलॉन्स. और ये कैब्यूलॉन्स जो हैं, ये किस तरह से बनते हैं, ये कैब्यूलॉन्स बनते हैं हम देखेंगे, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इस केव की, इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं. दीज ऑल थ्री थिंग्स ये कंपोज करती हैं इस कैब्यूलाइज को. ठीक है, बेसिकली ये जो कैब्यूला वाला एरिया, ये बेसिकली काम करता है एंडोसाइटोसिस के लिए, और इसका जो है वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजरते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में काम आ रहा है. नेक्स्ट चलते हैं इसकी कैपिलरीज में. इसका जो स्ट्रक्चर है कैपिलरी वॉल का, जो हमने पीछे डायग्राम में देखा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ यूनिसेल्युलर लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें इसमें थिन सी नजर आई है, ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आई है, ये एंडोथेलियल सेल्स हमें नजर आए हैं इसके अंदर. The total thickness of this capillary wall is about 0.5 micrometer. और जो इंटरनल डायमीटर है कैपिलरी का वो है 4 to 9 माइक्रोमीटर, बेयरली लार्ज इनफ फॉर अ रेड ब्लड सेल्स एंड अदर ब्लड सेल्स टू स्क्वीज थ्रू दिस एरिया. ठीक है, तो इसमें से वो बड़े मुश्किल से वो निकलते हैं. इसकी अगर लेंथ देखा जाए एक कैपिलरी की, तो विच इज अबाउट 0.3 एंड 1 mm इन लेंथ. अच्छा, कैपिलरीज में जो हम टोटल ब्लड देखते हैं वो 5% है टोटल ब्लड, जितना भी बॉडी में ब्लड है उसमें 5% टोटल ब्लड आर प्रेजेंट इन दीज कैपिलरीज. एंड पैसेज वे कनेक्टिंग द इंटीरियर ऑफ द कैपिलरी विद द एक्सटीरियर, वहां पे हम देखेंगे
के इंटरसेलुलर क्लेफ्ट नजर आएंगे हमें एंड मैनी माइन्यूट प्लाज्मा निमल वेजिकल्स, ये हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये एंडोथेलियल सेल्स है, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पे हमें इंटरसेलुलर क्लेफ्ट नजर आ रहे हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स के बीच में मौजूद है एंड अ लॉट ऑफ दीज प्लाज्मा निमल वेजिकल्स जिसे हम कैविला भी कहते हैं, स्मॉल केव की तरह। इसके अलावा इन्हीं कैपिलरीज के स्ट्रक्चर में कुछ फेनेस्ट्रेशन हमें नजर आएंगी, छोटे से होल सुराख नजर आएंगे, कुछ साइनोसाइडल ओपनिंग्स भी नजर आएंगे। और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा लिमल वेजिकल्स, फेनेस्ट्रेशन, साइनोसाइडल ओपनिंग्स, ये सिर्फ किसी एक कैपिलरी में नहीं है, हम थ्रू आउट द बॉडी की बात कर रहे हैं। किसी जगह पर हमें फेनेस्ट्राइज नजर आएंगे, किसी जगह पर हमें साइनोसाइडल ओपनिंग नजर आएंगी और कहीं पर बॉडी किसी पार्ट में किसी टिश्यू में हमें प्लाज्मा लिमल वेजिकल्स भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमने देखा कि कुछ पोर्स हैं, ये जो सॉरी जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमने देखा कुछ पोर्स हैं। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट की हमने बात की थी, डायग्राम में मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ, हियर इट इज दिस इंटरसेलुलर क्लेफ्ट। ठीक है, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट आर लोकेटेड ओनली एट द एजेस ऑफ दीज एंडोथेलियल सेल्स। क्या क्या चीजें गुजरती है इसमें से? वाटर मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं, वाटर सॉल्युबल आयंस गुजरते हैं, स्मॉल सॉल्यूट्स डिफ्यूज थ्रू दीज स्लिट पोर्स, इनको हम स्लिट पोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप दोबारा देखिएगा, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, ये एंडोथेलियल सेल, एक ये पड़ा हुआ एंडोथेलियल सेल, दूसरा एंडोथेलियल सेल, ये इन दोनों के बीच में है इंटर, ये इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, और ये अलाउ करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को भी, वाटर सॉल्युबल आयंस को एंड स्मॉल सॉल्यूट्स टू डिफ्यूज थ्रू दी स्लिट पोर्स। नंबर टू इज कैविलाइज। कैविला प्ले रोल इन एंडोसाइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस दीज एंडोथेलियल सेल्स, राइट। अच्छा जी, कैविलाइज एट द सरफेस ऑफ द सेल अपीयर टू इम्बाइब द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेसेलर फ्लूइड दैट कंटेन द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये कैविलाइज काम क्या करते हैं, क्योंकि सेल सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ये इम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या उसके अंदर अपने अंदर उसको ले लेते हैं, इसको खींच लेते हैं। ये क्या करते हैं, इनको स्मॉल पॉकेट्स अगर प्लाज्मा की एक्सेसेलर फ्लूइड आयन की या प्लाज्मा प्रोटीन के नजर आते हैं ना, उनको फौरन अपने, क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस कर रहा है ना, तो ये फौरन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड दीज वेजिकल्स कैन मूव slowly through these endothelial cells, ठीक है, ये बहुत slowly endothelial cell में molecules जो हैं, ये vesicles जो हैं, ये move कर रहे होते हैं। उसके बाद इन capillary membranes में मैंने आपको बताया था कुछ fenestrations होती हैं, small oval openings हैं that are closed by a thin membrane present in the capillary walls, ठीक है। Large fluid and other substances can pass except plasma proteins. हम देखेंगे बहुत सारी जगहों पे हमें plasma proteins के लिए बड़ी restrictions मिलती हैं कि plasma proteins are not easily pass through some capillary membranes. Diameter in fenestrations का होता है 20 to 100 nanometer. कहाँ कहाँ पे हमें ये fenestrations नजर आती हैं? ये इंटेस्टाइन में नजर आएंगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में नजर आएंगी, कोरोइड प्लेक्सस इन द आई उधर नजर आएंगी, और कुछ एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनकी अब मुख्तलिफ सिक्रीशंस हैं वहां पे ये नजर आएंगी। वहां से बहुत सारा फ्लूड भी पास हो जाएगा सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि जी प्लाज्मा प्रोटीन का जो है वो मॉलिकुलर वेट क्योंकि ज्यादा होता है तो दे आर नॉट इजीली पास फ्रॉम दीज कैपिलरीज। ठीक है, सो फेनेस्ट्रेशंस कहाँ होंगी? इंटेस्टाइन में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, कोरोइड फ्लक्सेस के अंदर, एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। सो नेक्स्ट वी आर इन साइनोसाइडल ओपनिंग्स। दीज साइनोसाइडल ओपनिंग्स और साइनोसाइड्स आर प्रेजेंट इन द लिवर, स्प्लीन एंड दीज बोन मैरोज, ये वहां पे मौजूद है। इनकी ओपनिंग कितनी होती है जनाब? 600 to 3000 नैनोमीटर, नॉट क्लोज बाय मेम्ब्रेन, वहां पे कोई मेम्ब्रेन उनको क्लोज नहीं करती। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड इवन प्रोटीन्स कैन पास थ्रू दीज साइनोसाइडल ओपनिंग्स, क्योंकि ये लिवर में है, ये बोन मैरो में है, ये स्प्लीन में है, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्लड तो सारा का सारा वहीं से गुजरता है ना, लिवर से गुजर के। अक्सर आपने सुना होगा पेशेंट कहता है जी जिगर खून नहीं बना रहा, तो वहां से पास ऑन जरूर हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों गुजर जाती है वहां से? वो भी इसलिए गुजर जाती है दीज साइनोसाइडल ओपनिंग्स, बिकॉज दीज प्रोटीन्स आर मेड इन दिस लिवर, और फिर वो स्प्लीन एंड बोन मैरो वहां से ये सारी चीजें गुजर जाती हैं। नेक्स्ट वी आर इन द फ्लो ऑफ ब्लड इन दीज कैपिलरीज। व्हाट इज दिस फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज? हम सबसे पहले आ जाते हैं वेजोमोशन के अंदर। कैपिलरीज जो होती हैं, जिन इन कैपिलरीज की हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो ब्लड की जो मूवमेंट है, जो उनका फ्लो है, वो इंटरमिटेंट होता है। ठीक है, हर 5-10 मिनट या सेकेंड्स के अंदर अंदर वो इंटरमिटेंटली फ्लो करता है, फिर रुक जाता है, फिर फ्लो करता है, फिर रुक जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फ्लो कॉन्ट्रैक्शन, से वेजोमोशन कह रहे हैं। ये जो इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन कर रही है ना कैपिलरी की वॉल्स ऑफ द मेट आर्ट्रियोल्स एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर आर समटाइम्स इवन द वेरी स्मॉल आर्ट्रियोल्स एज वेल, ये सारा प्रोसेस मिलके वेजोमोशन कराता है।
ठीक है, इसे हम वेजोमोशन कहते हैं। अगर आपको वेजोमोशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो यही है कि इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मेट आर्टरियोल्स इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की, वो बेसिकली इट कैन कॉज इंटरमीडिएट फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज। ठीक है, तो इसमें बहुत स्मॉल आर्टरियोल्स भी समटाइम्स इंटरमीडिएटली कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं। अगर इसकी रेगुलेशन को हम डिस्कस करें तो कॉन्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज व्हेन द रेट ऑफ ऑक्सीजन यूजेस बाय द टिश्यू इज ग्रेट सो दैट टिश्यू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज। कोई टिश्यू हम देखेंगे कि उनके अंदर अगर टिश्यू में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रही है, बड़े रेट उसका स्पीड ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बिलो नॉर्मल हो जाएंगे। द इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ कैपिलरी ब्लड फ्लो अकर्स मोर ऑफन, ये क्या हो जाएगा, जो इंटरमीडिएट पीरियड है ना ये कैपिलरी ब्लड फ्लो का, वो जल्दी जल्दी आएगा एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड फ्लो लास्ट लॉन्गर, ज्यादा देर तक वो रहेगा ताकि ऑक्सीजन उसको मिल सके। Thereby allowing the capillary blood to carry increased quantities of oxygen as well as other nutrients. हम कह रहे थे कि जी ये कुछ seconds के लिए या कुछ minutes के लिए वो intermittently contract करती है और tissue को आगे जो flow मिल रहा है, लेकिन ये फिर थोड़ा longer हो जाएगा, last longer when the tissue needs more oxygen, ताकि ज्यादा देर के लिए रहे, ज्यादा देर के लिए blood जो है उस capillary में मौजूद रहे और tissue को जो है वो oxygen supply हो सके। ठीक है, अब कैपिलरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है, नंबर वन फिल्ट्रेशन भी हो रही है कैपिलरी में, रीअब्सॉर्प्शन भी हो रही है और फिर हम देखेंगे उसके अंदर जो है वो डिफ्यूजन भी हो रही है। सो फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन ये कंट्रोल दोनों चीजें क्या करती है, कंट्रोल द प्लाज्मा वॉल्यूम, इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट। डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड टू टिश्यूज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। असल में ये इस डिफ्यूजन के जरिए हो क्या रहा है, ये जो कैपिलरीज में हो रही है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को सप्लाई करिए टिश्यूज को, और ताकि और जो टिश्यू का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करे। सो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन हियर इन दिस कैपिलरीज। नंबर थ्री इज पिनोसाइटोसिस, लार्ज सब्सटेंसेज एज प्रोटीन्स वो पिनोसाइटोसिस के जरिए जो वो कैपिलरीज उनको उठा लेती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूजन जो है वो किस तरह से हो रही है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर डेफिनेटली प्लाज्मा मौजूद है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हमें नजर आ रही है। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में और यहाँ पे हमें लिम्फेटिक कैपिलरी नजर आ रही है। होता है क्या है कि डिफ्यूजन किस तरह से हो रही होती है कि ये कैपिलरी का प्लाज्मा और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उनके बीच में बड़ी इजीली बड़ी फ्रीली डिफ्यूजन हो रही होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो बड़े इजीली पास ऑन हो सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस हैं, और वो इजीली डिफ्यूज होके फ्रॉम दिस कैपिलरी ब्लड इनटू एन इंटरस्टिशियम, और इंटरस्टिशियम से कुछ चीजें डिफ्यूज आउट होके कहां जा रही हैं, कैपिलरी के अंदर जा रही हैं और या हम कहेंगे कि प्लाज्मा में एड ऑन हो रही हैं। ठीक है, रैंडमली इनसे ये चीजें बाउंस कर रही होती हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन में आप देखेंगे एरो से आपको नजर आ रहा है कि ये यहां से इस तरफ आई, यहां से ये इधर जा रही है, और ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये जो मटीरियल है मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट फ्लूड मॉलिक्यूल्स एंड मटीरियल जो है वो मूव कर रहे हैं रैंडमली। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम, कौन कौन सी चीजें हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर सॉल्युबल और नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर डिफ्यूज थ्रू इंटर सेलुलर पोर्स ऑफ दीज कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी चीजें आ जाती है जनाब उसके अंदर, वाटर सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल जो है वो डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो वो कैपिलरी एंडोथेलियम के क्रॉस कर जाती है, डिफ्यूज करती है, उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। वाटर सॉल्युबल या नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थ्रू इंटरसेलुलर पोर्स, अब ये चीज एक डिफरेंस देखिएगा, जो लिपिड सॉल्युबल चीजें हैं वो डायरेक्ट जाएंगी, जो नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं दे आर यूजिंग द डिफरेंट पाथवे लाइक इंटरसेलुलर पोर्स ऑफ दिस कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जिसे हम जिसमें से क्या क्या चीजें जा सकती हैं, वाटर भी है और सोडियम और क्लोराइड भी जा रहा है, सब इजीली पास ऑन हो रहे हैं लेकिन उनके रास्ते अलग हैं या उनकी गाड़ियां अलग हैं, ये यहाँ से पैदल जा रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि वाटर सोडियम और क्लोराइड जो है वो एक छोटी सी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी पोर्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर डायमीटर, अब परमेबिलिटी की हम बात करते हैं, जैसे वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, सारे कुछ है, सारी की सारी चीजें परमेबल हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि उनका जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है ना वो उसके अकॉर्डिंगली परमेबल है, कितना ज्यादा परमेबल है
और कितना कम परमेबल है, कितनी क्वांटिटी में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है, आइदर वो ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, सोडियम क्लोराइड है, उनका मॉलिक्यूलर साइज या उनका डायमीटर कितना है, ठीक है। अब जो नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन है सब्सटेंस का थ्रू एनी मेम्ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जो कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी है, ये इनसाइड द कैपिलरी और आउटसाइड द कैपिलरी, ये हम बात करें टू साइड ऑफ द कैपिलरी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन जिस तरफ होगी वहां से डिफ्यूजन होगी उस तरफ जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी, सो वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहां पे हम मॉलिक्यूलर वेट और परमेबिलिटी की बात करते हैं। वाटर, उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है 18, तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है 1.00, इसका मतलब दिस वाटर इज हाईली परमेबल, बट इट कैन टेक द पैसेज और ट्रांसपोर्ट एरिया लाइक पोर्स, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, उसकी परमेबिलिटी वाटर से कम है। फिर यूरिया है, क्रिएटिनिन है, या हम ग्लूकोज, इंसुलिन, ये सब देखें कि इनकी परमेबिलिटी में और कमी आती जा रही है। आप देखेंगे इन्यूलिन है, सॉरी ये, अच्छा हम देखेंगे यहाँ पे जहां से प्रोटीन शुरू हो रही हैं, ठीक है, थीके? तो हमने क्या देखा कि मायोग्लोबिन है, अल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन है, इनकी परमेबिलिटी और भी कम है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे आप यहाँ पे ज्यादा होता जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का, जिस आयन का, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम है वो इजीली परमेबल हो जाता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है दे आर लेस परमेबल। गॉट इट। इंटरस्टेशियम और इंटरस्टेशियल फ्लूड किसे कहते हैं हम? इंटरस्टेशियम हम कहते हैं स्पेस है बिटवीन द सेल्स, बहुत सारे सेल्स बने हुए उनके बीच में एक स्पेस होती है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियम है, और उसके अंदर जो मौजूद फ्लूड होता है कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटरस्टेशियम। द फ्लूड ऑन दीज स्पेसेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टेशियल फ्लूड, ठीक है। इन सेल्स के बीच में स्पेस को हम कहेंगे इंटरस्टेशियम। इसके बीच में जो हम फ्लूड को देखेंगे इन दीज स्पेसेस इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टेशियल फ्लूड, राइट। हम इस इंटरस्टेशियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमें दो से तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नजर आएंगी, एक कोलेजन फाइबर्स नजर आएंगे, एक हमें प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स नजर आएंगे, ठीक है। यहां पे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ, ये कैपिलरी बनी हुई है, कैपिलरी के इस तरफ हमें पता है कि जी इंटरस्टेशियम में ये दो सेल्स नजर आ रहे हैं, एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक है। तो दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहला रही थी? इंटरस्टेशियम। एंड द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन दीज सेल्स इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल फ्लूइड। एंड दिस इंटरस्टेशियल फ्लूइड कंटेन थ्री मेन थिंग्स। नंबर वन इज द कोलेजन फाइबर्स, हियर यू कैन सी दिस, ठीक है। और उसके बाद आप ये जो मरून कलर में, उसके बाद ये ब्लू क्वाइल्ड थिन, ठीक है, आप ये कुछ फिलामेंट्स देख रहे हैं, दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोटियोग्लाइकन्स। उसके बाद तीसरी चीज आप इसमें देख रहे हैं रिगुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूड, ये आपने व्हाइट से एक फ्री फ्लूड स्पेसेस देख रहे हैं, ये पॉकेट्स बने हुए छोटे छोटे से फ्री फ्लूड, ये बिल्कुल फ्री फ्लूड है जिसके अंदर जो बिल्कुल क्लियर फ्लूड है और वो मूव कर रहा है इसमें इंटरस्टेशियम में, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। कोलेजन फाइबर जो मरून कलर में थे, बड़े से मोटे मोटे से फाइबर्स थे, ये वाले कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं इंटरस्टेशियम में, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइड मोस्ट टेंशनल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू, ये टिश्यू को आपस में स्ट्रेंथ दे रहे हैं। प्रोटियोग्लाइकेंस जो हमने छोटे से यहाँ पे ब्लू में देखे थे, ये वाले छोटे छोटे से हमने ये जो ब्लू में ये हमें प्रोटियोग्लाइकेंस नजर आ रहे हैं, ये क्वाइल्ड एंड ट्विस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये किस चीज से बने हुए? ये 98% हाइलुरोनिक एसिड एंड 2% ये प्रोटीन से बने हुए हैं। And this combination of proteoglycan filaments and the fluid interact within them have a characteristic of gel and therefore called a tissue gel. होता क्या है कि ये जो proteoglycans हैं, ये जो proteoglycans के साथ साथ collagen fibers हैं, और ये proteoglycans जो coiled structure बना हुआ है उनके बीच में जो fluid फंसा हुआ है ना, ये basically क्योंकि ये proteoglycans इतने ज्यादा filaments मौजूद होते हैं कि ये क्या करते हैं, basically इसको structure देते हैं, जो इसके बीच में fluid होता है वो gel like material लगने लगता है, this is called as tissue gel, right? अब उसके बाद ये कुछ रेवल्यूट्स ऑफ फ्री फ्लूड और स्मॉल फ्री फ्लूड वेसिकल्स हमें नजर आ रहे थे जो बिल्कुल व्हाइट कलर में, ये मैंने आपको दिखाए थे हियर, ठीक है, ये मौजूद होते हैं, ये यूजुअली लेस देन 1% होते हैं। व्हेन द टिश्यू डेवलप एडिमा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी कोई टिश्यू के अंदर एडिमा डेवलप होता है दी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ रेवल्यूट्स ऑफ फ्री फ्लूड ये एक्सपेंड कर जाती है, ये बड़ी हो जाती है अंटिल 1/2 और मोर देन एडिमा फ्लूड बिकम्स फ्रीली फ्लोइंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स। होता क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी एडिमा डेवलप होता है ये स्मॉल पॉकेट्स जो है रेवल्यूट्स की फ्री फ्लूड की ये एक्सपेंड कर जाती हैं बहुत बड़ी साइज में,
ठीक है, और तब तक ये एडिमा जो है वो कंप्लीटली फ्रीली फ्लो कर रहा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोटोग्लाइकन। प्रोटोग्लाइकन बेचारे साइड में हो जाते हैं, कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और ये फ्री फ्लूड वाला जो ये एरिया है ना, ये रेगुलेट्स, ये बहुत सारी जगह घेर लेता है। क्यों? क्योंकि एडिमा हो चुका सब्जेक्ट को किसी भी डिजीज की वजह से। अब ये कैपिलरी के अंदर, आउटसाइड द कैपिलरी और इनसाइड द कैपिलरी कुछ स्टार्लिंग फोर्सेस होती हैं। स्टार्लिंग हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक साइंटिस्ट था, अर्नेस्ट स्टार्लिंग, जिसने ये फोर्सेस जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसके ऊपर ये रिसर्च की थी। सो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टार्लिंग फोर्सेस। अब कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर होता है, कैपिलरी प्रेशर, ठीक है, ये क्या करता है, ये फोर्स करता है कि कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है ना कैपिलरी में, वो वहां से बाहर निकल जाए। ठीक है, इंटरस्टिशियम के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि ये कैपिलरी के अंदर चला जाए। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, आपको इजीली एरो से समझ आ जाएगी। कैपिलरी के अंदर जो प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो उसकी प्लाज्मा की कोलोइड और उसकी प्रोटीन्स की वजह से, वो क्या कोशिश करता है कि जो फ्लूड है वो भी कैपिलरी के अंदर आना शुरू हो जाए बाहर से। ठीक है, इंटरस्टिशियम के अंदर जो थोड़ी सी प्रोटीन होती है, बहुत कम होती है, वो ये काम करती है कि जनाब के जो कैपिलरी है वहां से फ्लूड बाहर की तरफ आ जाए। अब इस डायग्राम में आपको एरो से बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। दिस इज द कैपिलरी प्रेशर, दिस इज प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये दोनों इंटरस्टिशियम के प्रेशर है। एक ये इसका फ्लूड प्रेशर है इंटरस्टिशियल, और दूसरा ये कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। एरो जो शो कर रहा है ना ये नीचे की तरफ, ये इसका मतलब ये है कि इस कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या वाटर का जो प्रेशर है, वो कोशिश कर रहा है, वो इतना ज्यादा है कि कैपिलरी से जो फ्लूड है वो बाहर निकल जाए। एरो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस आउटसाइड चला जाए। यहाँ पे जो प्रोटीन्स मौजूद है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा है कि वो खींच रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रही है, ये खींच रही है कि जो इधर वाटर मौजूद है ना नीचे, ये अंदर की तरफ ऑन हो जाए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, जिस तरफ एरो जा रहा है वाटर अपोजिट साइड से उस एरो की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर है। ठीक है, ये कोशिश करता है कि जनाब यहां से फ्लूड जो है वो अंदर की तरफ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये क्या कोशिश करता है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटीन्स मौजूद, ये कोशिश करता है कि अंदर का भी पानी जो है ना वो बाहर निकल आए, ये इंटरस्टिशियम में आ जाए। तो इन एरो से आपको नजर आ जाएगा कि कैपिलरी प्रेशर मूव फ्लूड आउटवर्ड्स, प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर मूव्स फ्लूड इनवर्ड, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर जो है वो मूव्स फ्लूड इनसाइड द कैपिलरी, और उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर मूव द फ्लूड इन फ्रॉम कैपिलरी टूवर्ड्स द इंटरस्टिशियम। ठीक है, हम आखिर में देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना था। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में हम देखेंगे कि ये हमें जो है वो कैपिलरी प्रेशर नजर आ रहा है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर है। ठीक है, फिर ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाता है, और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद ये इंटरस्टिशियल फ्लूड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इस इक्वेशन के जरिए हम हल करेंगे, और बाद में हमें पता चलेगा कि जी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है। इसके लिए जरूरी है कि हमें इस प्रेशर की क्वांटिटी पता हो, आइदर ये कितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है। सो इन सबको इस इक्वेशन के जरिए जब हम हल करेंगे तो हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का जो है वो लेवल मिलेगा। ठीक है, सो कैपिलरी फिल्ट्रेशन कॉन्स्टेंट और कोएफिशिएंट, देयरफॉर अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन टू फिल्टर द वाटर फॉर अ गिवन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस एज एमएल्स पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये जो कोएफिशिएंट की हम बात करते हैं ना, के एफ कोएफिशिएंट, ये हम बेसिकली सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमें मेजर करना होता है कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर जो कितना कोएफिशिएंट, कितना एरिया है, और कितना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है उस पिछली वाली इक्वेशन के जरिए। तो पहले हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पता होना चाहिए, फिर हमें इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा जनाब कि कितना फ्लूड फिल्टर कर रहा है इन अ सिंगल एमएल पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने का जो है वो तरीका है कि किसी कैपिलरी के अंदर अगर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो वो माइक्रोपिपेट मेथड है फॉर मेजरिंग द कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एक ग्लास पिपेट होती है, वो डायरेक्ट कैपिलरी के अंदर इंसर्ट की जाती है, उसको थ्रस्ट की जाती है, वो प्रेशर मेजर होता है माइक्रो मैनोमीटर सिस्टम के जरिए। ठीक है, सो उस जो इसका प्रोसीजर है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, उन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है।
सो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोपिपेट मेथड फॉर मेजरिंग द कैपिलरी प्रेशर. इस कैपिलरी प्रेशर या जिसे हम कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कह रहे हैं ऑफ द डिफरेंट टिश्यू हाईली वेरिएबल. काफी सारे टिश्यूज ऐसे हैं जिनकी जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जैसे किडनी है, इंटेस्टीन है आप देखेंगे, या लूज कनेक्टिव टिश्यू है, हर किसी का बहुत ही डिफरेंट जो है वो हमें कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मिलेगा. ठीक है, डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर टिश्यू और द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट कि वहां पर इनका कितना प्रेशर है. एवरेज मीन जो कैपिलरी प्रेशर है ना इज अबाउट 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन सम टिश्यू सच एज स्केलेटल एंड गट. ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, मीन कैपिलरी प्रेशर है. ठीक है, स्केलेटल मसल की और गट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कैपिलरी प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. इसके आर्टेरियल एंड पे हम देखेंगे 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, वीनस एंड पे 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाता है. ठीक है, दूसरा एक तरीका है आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजर करने के लिए. अब इस प्रेशर के जरिए, इस मेथड के जरिए जो कैपिलरी प्रेशर जो एवरेज काउंट किया जाता है वो 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. इसमें होता क्या है कि एक गट है उसको काट के ये ग्रेविमेट्रल जो आइसोग्रेविमेट्रिक एक मशीन बनाई गई है उसमें इसको इंसर्ट किया जाता है. इसका आर्टेरियल एंड होता है, इसका वीनस एंड भी होता है. असल में होता है कि अगर आर्टेरियल प्रेशर को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर को कम करेंगे तो कैपिलरी में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाएगा ना कैपिलरी प्रेशर में. तो ये क्या करते हैं कि इसको आइसोग्रेविमेट्रिक के लिए ये कहते हैं कि जो कैपिलरी है उसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. अगर आर्टेरियल प्रेशर कम हो रहा है तो आपको वीनस प्रेशर इसका बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो अगर आपने एक इंटेस्टीन का एक पार्ट निकाला और आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड के जरिए इसको अगर इस मशीन में, इस गट में आप इसको लगाया है तो क्या हो जाएगा कि इसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक पार्ट उसको माइनस करके एक जगह पे इसको टेस्ट कर रहे हैं. सो अगर आर्टेरियल प्रेशर कम हो रहा तो आपको वीनस प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. तो द मोरल ऑफ द होल स्टोरी इज कि ये जो मर्जी कर लें, चाहे आर्टेरियल प्रेशर कम करें और वीनस प्रेशर ज्यादा करें, कैपिलरी प्रेशर एवरेज जो होगा वो 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है कि आर्टेरियल प्रेशर और फिर ये वीनस प्रेशर देखा है, चाहे आर्टेरियल प्रेशर है चाहे वीनस प्रेशर है, कैपिलरी प्रेशर इज 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. नो मैटर व्हाट कि आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया तो इन्होंने वीनस प्रेशर को बढ़ा दिया यहां से. ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, ठीक है, स्लाइटली लेस सब एटमोस्फेरिक एंड एवरेजिंग अबाउट -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, और इसकी जो ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इट मेक इट एन आउटवर्ड फोर्स. ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो -3 है, वो उसको आउटवर्ड फोर्स में इसको काउंट कर रही है. ठीक है, प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा का एवरेज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि 19 मिलीमीटर इसमें कॉज बाय द डिसॉल्व प्रोटीन की वजह से, 9 मिलीमीटर बाय द डोनन इफेक्ट. व्हाट इज दिस डोनन इफेक्ट? इज एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कॉज बाय द सोडियम पोटेशियम, क्योंकि हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा. तो प्लाज्मा में हमें प्रोटीन्स भी मिलेंगी, सोडियम पोटेशियम, बहुत सारे कैटायंस क्लोराइड्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, एनायंस भी मिलेंगे. तो होता क्या है कि कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना नॉर्मल ह्यूमन का वो 28 है. उस 28 में से 19 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉज बाय द प्रोटीन्स और 9 बाय द डोनन इफेक्ट. अब डोनन इफेक्ट क्या है? एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो सोडियम पोटेशियम और कुछ और कैटायंस की वजह से इन द प्लाज्मा बाय द प्रोटीन्स. उन प्रोटीन्स की वजह से वो सोडियम पोटेशियम और कैटायंस भी अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक्स्ट्रा. तो वो 9 जो है उसके अंदर ऐड है ना, वो बेसिकली ये 28 टोटल इसलिए बन रहा है कि 19 में 9 ऐड है उन कैटायंस की वजह से. ठीक है, प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन. अब जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ और हैं, ये सारे ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड ऑफ कैपिलरीज, दोनों जैसे इनसाइड द कैपिलरी इंटरस्टिशियम में, ये बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन भी करें. और उस वो ऑस्मोटिक प्रेशर है भी उन प्रोटीन्स और प्लाज्मा के जो डिफरेंट ऑस्मोल्स हैं उनकी वजह से. इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑन कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब देखिए एल्ब्यूमिन जो है ये इतने ग्राम पर डेसिलीटर प्लाज्मा में तो मौजूद होता है, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो 21.8 है.
ग्लोबुलिन को देखिए 2.5 है, इसकी वजह से प्रेशर जो है वो 6.0 है. फिब्रिनोजन 0.3 है, ये 0.2 है, तो टोटल जो इनका है वो 28% है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो हमने कहा था कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. लेकिन इसके अंदर एड ऑन और क्या चीजें हैं, अगर इसको हम और सिंपलीफाई करें और इसको खोल के देखें, तो इन प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो सोडियम क्लोराइड और कुछ और केटाइंस की वजह से भी आ रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डोनेंट इफेक्ट. ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, एवरेज जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन. अब हम देखेंगे कि कौन सी फोर्सेज हैं दैट कॉजेस फिल्ट्रेशन एट द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज. कुछ फोर्सेज हैं दैट मूव द फ्लूइड आउटवर्ड. ठीक है, कैपिलरी प्रेशर, नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी जो आउटवर्ड फोर्सेज हैं वो 41 है. फोर्सेज ये मूव द फ्लूइड इनवर्ड. ठीक है, कैपिलरी को अंत के अंदर लेके जा रही है, 28 है. ठीक है, तो अगर हम सम अप करें इसको तो आउटवर्ड फोर्सेस हमारे पास कितनी है, 41 है. इनवर्ड फोर्सेस हमारे पास कितनी है, 28 है. ठीक है, इनवर्ड फोर्सेस, तो नेट आउटवर्ड फोर्स जो है इसकी, नेट आउटवर्ड फोर्स एट आर्टेरियल ये 13 है. दिस इज कॉल्ड एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ठीक है, उसके बाद हम रीअब्सॉर्प्शन की बात करें. ये हमने किसकी बात की थी, ये फिल्ट्रेशन की बात की थी. फिल्ट्रेशन में ये फोर्सेस काम कर रहे हैं. सुबह इनको बोलो मैं लेक्चर दे रही हूँ, इनको बताओ मैं लेक्चर दे रही हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन एज द वीनस एंड, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है वीनस की एंड पर ना. कुछ फोर्सेज एंड टेंड टू मूव द फ्लूइड इनवर्ड, 28. ठीक है, फोर्सेज टेंड टू मूव द फ्लूइड आउटवर्ड, ये सारी जितनी भी मिला के ये 21 बन रही है. अगर हम सम अप करें इन फोर्सेस को, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, सो इनवर्ड फोर्सेस हमारे पास 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, आउटवर्ड फोर्सेस हमारे पास 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. दैट मींस वी हैव नेट जो प्रेशर इनवर्ड फोर्स है वो 7 है. अब ये 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है यही टोटल रीअब्सॉर्प्शन करवाया था एट अ वीनस एंड. ठीक है, so the low blood pressure at the venous end of the capillary changes the balance of force in favor of absorption as well. The difference jo hai wo 7 ka aaya tha, net reabsorption pressure jo venous end of the capillaries pe tha. theek hai, through the arterial end of the capillaries 20 liter per day formed hota hai, 90% of this 20 liter is reabsorbed. theek hai, samajh aa rahi hai ye baat. uska jo 10% hai na, that will go into in circulation jo ke 2-3% hai. ठीक है, जो हम रीअब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि आर्टेरियल एंड पे 20 लीटर आया, 20 लीटर उसमें से 90% जो था ना 20 लीटर का, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया. मतलब हम 17 कह लें उसको या 18 लीटर, वो सारा का सारा रीअब्सॉर्प्शन हो गई वापस ही उधर ही कैपिलरीज में. लेकिन 10% ऐसा था जो कि सर्कुलेशन में चला गया वापस, ठीक है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में. स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम फॉर कैपिलरी एक्सचेंज, अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टरिंग आउटवर्ड फ्रॉम द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज ये इक्वल होता है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द फ्लूइड रिटर्न टू सर्कुलेशन बाय द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जो स्लाइट डिसइक्विलिब्रियम इसके अंदर आता है ना, दैट अकर्स अकाउंट फॉर फ्लूइड दैट इज इवेंचुअली रिटर्न टू द सर्कुलेशन बाय द वे ऑफ लिम्फेटिक्स. क्यों भाई, कुछ तो डायरेक्टली कैपिलरी ने रीअब्सॉर्ब कर लिया, सर्कुलेशन है 17-18 लीटर, कुछ लिम्फेटिक के जरिए है, ये थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम हुआ ना भाई. होना ये चाहिए था कि जो 20 लीटर कैपिलरी से आया था वो 20 लीटर की कैपिलरी उठा लेती, लेकिन 10% जो है ना वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया, ऐसे हम कहते हैं ये स्लाइट डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, अच्छा जी, यहां पे हम देखते हैं स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम क्या था. जो जो फ्लूइड की आउटवर्ड फोर्सेस थी वो 28 थी, इनवर्ड फोर्सेस 28 हो गई. ठीक है, ऐसा ही था 28.3. सो हम जब इसको सम अप करेंगे 28.3 और आउटवर्ड फोर्सेस और जो इनवर्ड फोर्सेस 28, तो इसका हमने नेट आउटवर्ड फोर्स देखा कितना, 0.3. ये क्या हो गया, 0.3 हमारे पास. ये इसका जो जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है, ये टोटल ये थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम था, जो कि हमने कहा कि ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जा रहा है. आप जब इसका कोएफिशिएंट देखेंगे ना, फिल्ट्रेशन रेट और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, हम देखते हैं कि 2 ml पर मिनट के हिसाब से फिल्ट्रेशन हो रही है. ठीक है, इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम जो ये आ रही है, ये 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, जिसमें किडनीज इंक्लूड नहीं है. ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन इसके फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर.
लेकिन अगर हम इंटायर बॉडी की फिल्ट्रेशन उठाएं, उसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखें, इंटायर बॉडी उसमें किडनी भी इंक्लूड हो जाएगी सारा, तो विच इज इक्वल टू 6.67 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये 2 ml पर मिनट जो है ना इसका, वो फिल्ट्रेशन आ जाती है सारी जिसमें किडनीज इंक्लूड नहीं है, लेकिन 6.67 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये सारे बॉडी की कैपिलरीज की फिल्ट्रेशन का रेट बता रहा है आपको। ठीक हो गया, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू लिम्फेटिक सिस्टम, विदाउट विच वी वुड डाई विद इन अबाउट 24 आवर्स। अगर लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा ना हो, तो हम 24 घंटे में खत्म हो सकते हैं। एसेसरी रूट है बेसिकली थ्रू विच द फ्लूड कैन फ्लो फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस इनटू द ब्लड। ठीक है, ये ब्लड में वापस जा रहा है इंटरस्टिशियल स्पेसेस से। अब लिम्फेटिक जो है ना वो कैन कैरी प्रोटीन्स लार्ज पार्टिकुलेट मैटर्स अवे फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस, नीदर ऑफ विच कैन बी रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज। होता क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना ये सारा टिश्यू स्पेसेस से प्रोटीन को भी ले लेता है, लिम्फेटिक सिस्टम ले रहा है, जितने भी बड़े पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं अगर बैक्टीरियाज भी हो उनको वहां पर खत्म करवा देगा और वो सारी चीजें उठा के ले जाता है उसको ब्लड कैपिलरीज में डाल देता है, इनमें से कोई चीज वो रिमूव नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस बॉडी में देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक थोरेसिक डक्ट नजर आ रही है, नजर आ रही है ये हमें थोरेसिक डक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे काफी सारे लिम्फ नोड्स, एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स, इनगुइनल पेरिफेरल लिम्फेटिक सिस्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, सर्वाइकल नोड्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे हमें लेफ्ट सबक्लेवियन नर्व नजर आ रही है, फिर हमें यहाँ पे एक्सिलरी नोड, बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये थोरेसिक डक्ट को लाजमी एक दफा ध्यान में रखिएगा। हम आगे चलते हैं, जितनी भी लिम्फेटिक लिम्फ वेसल्स है ना फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट पार्ट, पार्ट ऑफ द चेस्ट रीजन, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये इवेंचुअली आके एम्प्टी होती हैं थोरेसिक डक्ट के अंदर। इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड है, ये वाला सारा एरिया बाजू, ये टांग, ये इंग्वाइनल एरिया, ये सारे के सारा लिम्फेटिक सिस्टम ये भागता हुआ आएगा लिम्फेटिक डक्ट में आएगा, लिम्फेटिक डक्ट से ये कहाँ चला जाएगा, नीचे सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और वहां से ये टर्न एम्प्टी होता है इनटू ब्लड वीनस सिस्टम एट द जंक्चर ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ठीक है, ये लिम्फेटिक में चला गया, लिम्फेटिक से ये जाके क्लियर हो गया सबक्लेवियन वेन में और लेफ्ट साइड में और इंटरनल जुगलर में चला गया। सो लेफ्ट साइड का सारा जो है वो चला जाता है थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट से वो एम्प्टी हो जाता है लेफ्ट इंटरनल जुगलर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। लिम्फ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नेक एंड हेड, राइट आर्म, राइट साइड ऑफ द थोरेसिक, ये चला जाता है राइट लिम्फ डक्ट में। ठीक है, राइट लिम्फ डक्ट के अंदर, यहाँ पे एक राइट लिम्फ डक्ट भी है, यहाँ पे जो वो शो नहीं की हुई लेकिन हेयर इट इज। ठीक है, बल्कि ये आर डॉट लिम्फेटिक डक्ट, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये सारे राइट साइड वाला इसमें चला जाएगा जितना भी लिम्फ फ्लो है सारा। ठीक है, ये एम्प्टी होती है जाके राइट सबक्लेवियन में और राइट इंटरनल जुगलर वेन के अंदर। ठीक है, About 1/10 of the fluid entered the lymphatic capillary are returned to the blood through the lymphatic system. जितना भी capillaries में जा रहा है वो बाद में lymphatic system के through blood के अंदर आ गया। The total quantity of all this lymph is normally only 2 to 3 liters each day. हमने जो कहा था कि इसमें lymphatic में lymphatic circulation में जो total जा रहा है वो 2 से 3 liter है, ऐसा ही कहा था हमने। अगर हम सारा उसकी बात करें 10% जो है, तो ये टोटल जितना भी है वो 2 to 3 liter हर दिन ये लिम्फ में जा रहा है। यहां पे आप लिम्फेटिक कैपिलरी की एक स्ट्रक्चर देखिएगा, एंडोथेलियल सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे कुछ वेल्स हमें नजर आ रही हैं, यहाँ पे कुछ एंकरिंग फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये टर्मिनल लिम्फेटिक कैपिलरी है एंड परमेबिलिटी, ये हमें हम अब देखेंगे इसमें किस तरह से परमेबिलिटी हो रही है। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट सच एज प्रोटीन्स कैनॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं करना, अनदर वे दे कैन एंटर द लिम्फेटिक कैपिलरीज। यही हमने बात की थी कि टिश्यूज को एब्जॉर्ब तो नहीं करते ना, ये ज्यादा ब्लड में चली जाती है प्लाज्मा प्रोटीन, उन्होंने पूरा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपिलरीज। सो अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती है वो एब्जॉर्ब टिश्यू में नहीं हो रही होती, वो लिम्फेटिक कैपिलरी में चली जाती है। रीजन फॉर दिस इज द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरी, एंकरिंग फिलामेंट्स मौजूद है। एंडोथेलियल सेल्स जो है ये अटैच होती है विद वन कनेक्शन, क्या हुआ है? ठीक है, उस
उसके एंकरिंग फिलामेंट सराउंडिंग द कनेक्टिव टिश्यू एट द जंक्शन ऑफ एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स द एजेस ऑफ वन एंडोथेलियल सेल्स. ये आप देखेंगे कि ये ओवरलैप कर रही है दूसरे के ऊपर. ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये एजेस है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है यहाँ पे, जहां पे इन ओवरलैप की वजह से वेल्स क्रिएट हो रही है. ठीक है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैन पुश द वाल्व ओपन. ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर ज्यादा आएगा तो वाल्व को ओपन करेगा और फ्लूइड डायरेक्टली तो लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर जो वो फ्लूइड एंटर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है. लिम्फ ड्राइव फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट फ्लोज इनटू द लिम्फेटिक्स. प्रोटीन कंसंट्रेशन काफी सारे टिश्यूज में जो है वो 2 ग्राम है. लिवर में हम देखेंगे इसकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन 6 ग्राम है. लिम्फ इन द इंटेस्टाइन हैज एन प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ 3 to 4 ग्राम. थोरेसिक डक्ट का जो लिम्फ है, मिक्सचर ऑफ लिम्फ फ्रॉम द ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी हैव अ प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ 3 to 5 ग्राम्स पर डेसिलीटर. ठीक है. रेट कितना है इसका, किस रेट के हिसाब से फ्लो कर रहा है. 100 ml पर आवर ऑफ लिम्फ फ्लो थ्रू द थोरेसिक डक्ट इन अ रेस्टिंग ह्यूमन एंड अप्रोक्सीमेटली अनदर 20 liters ऑफ फ्लो इन द सर्कुलेशन ईच आवर थ्रू ईच अदर चैनल्स मेकिंग अ टोटल एस्टिमेट ऑफ लिम्फ फ्लो इज 120 ml पर आवर और 2 to 3 liters पर डे. ठीक है. सो पूरे दिन की जो हमने बात की थी वो 2 to 3 liters पर डे इसका रेट ऑफ लिम्फ फ्लो है. ठीक है. यहाँ पे इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ऑन लिम्फ फ्लो, अगर आप इसको 0 से उठा के पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें फौरी तौर पे जो इंटरस्टिशियल प्रेशर के अंदर जो है लिम्फ फ्लो के अंदर चेंज आ जाएगा. ठीक है. 2 times millimeter ऑफ मर्करी है, फिर ये 7 times है. तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे इसको जो लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर को इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो क्या हो जाएगा, ये लिम्फ फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा. लिम्फैटिक पंप है, ये इंक्रीज करता है लिम्फ फ्लो को. ठीक है. उसमें व्हेन कलेक्टिंग लिम्फैटिक और लार्जर लिम्फ वेसल्स बिकम स्ट्रेच्ड विद द फ्लूइड, बहुत सारा फ्लूइड आ जाए उसमें, स्मूथ मसल वॉल जो है ना वेसल्स की ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. ईच सेगमेंट ऑफ द लिम्फ वेसल्स बिटवीन द सक्सेसिव वेल्व्स फंक्शन एज अ सेपरेट ऑटोमेटिक पंप. ये जितने भी वेल्व वाला एरिया था ना लिम्फ के अंदर वो ऑटोमेटिक पंप की तरह काम करते हैं. ये स्लाइट फिलिंग करते हैं सेगमेंट की, कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लूइड इज पंप्ड टू द नेक्स्ट वेल्व इनटू द नेक्स्ट लिम्फेटिक सेगमेंट. होता है क्या है, मैं इस डायग्राम में आपको दिखाती हूँ. अगर फ्लूइड यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सारी वेल्व्स बनी हुई है ना, यहाँ पे ये वेल्व है, ये भी वेल्व है, ये भी वेल्व है, क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल ओवरलैप कर रहे हैं. अगर तो यहाँ पे फ्लूइड एंटर होना शुरू हो गया है तो ये वेल्व कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और यहाँ से फ्लूइड को मूव करेंगी अनदर लेवल की, ये अगली वेल्व में चला जाए, आगे चला जाए, इसको आगे धकेलती हुई ये फाइनली कहाँ पे लेकर चली जाती है, ये थोरेसिक डक्ट में इसको जाके एम्प्टी कर देती है. ठीक है. द स्लाइट फिलिंग ऑफ अ सेगमेंट कॉजेस टू कॉन्ट्रैक्ट pump through the next valve into a next lymphatic segment. A very large lymph vessel such as thoracic duct, this lymphatic pump can generate pressure as great as 50 to 100 millimeter of mercury. Right? यहाँ पे हम फिर इसको देखते हैं, ये valves बनी हुई हैं, ठीक है, ये collecting एक lymphatic है और finally ये valves in pores से यहाँ से lymphatic capillaries से गुजरते हुए ये fluid जो है ये फाइनली लिम्फेटिक्स के अंदर और थोरेसिक डक्ट में एंटर हो जाता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड और उसके बाद राइट थोरेसिक में चला जाता है फ्रॉम द राइट साइड. पंपिंग कॉज बाय एक्सटर्नल इंटरमिटेंट कंप्रेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स. कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो इंटरमिटेंटली कंप्रेस करता है लिम्फ वेसल्स को एंड कैन कॉज पंपिंग. अगर स्केलेटल मसल के जो सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल, उसके बाद मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी या पल्सेशन पल्सेशन ऑफ आर्टरीज अगर पल्सेट कर रही हैं टू द एडजेसेंट लिम्फेटिक्स और कंप्रेशन ऑफ टिश्यू बाय ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बॉडी. किसी टिश्यू की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की टिश्यू को कंप्रेस करें तो लिम्फेटिक पंप बिकम्स वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है एक्सरसाइज के अंदर, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि लिम्फेटिक पंप भी जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो बहुत एक्टिव हो जाता है. ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेस्ट लिम्फ फ्लो इज स्लगेज ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है. अब लिम्फेटिक सिस्टम का हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का. बेसिकली आपसे पूछे राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सो इट कैन कॉज रिटर्न ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस व्हिच आर फिल्टर्ड बाय द कैपिलरीज बट नॉट रीअब्सॉर्ब्ड. कैपिलरी ने इसको फिल्टर तो कर दिया इंटरस्टिशियम के वजह से, इसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही दोबारा, तो यही यहां से इंटरस्टिशियम से चला जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर.
जीआईटी लिम्फ जो वो सर्व करती है टू ट्रांसपोर्ट लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टिनल लैक्टीज, ठीक है। अब जी आपने खाना खाया, ठीक है, लिपिड्स थे बहुत सारे, तो कहाँ जाएंगे? तो यही लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो लिम्फ जो वहां पे सर्व करेगी एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टिनल लैक्टीज। इंटेस्टीन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टिनल लैक्टीज, वो इसी लिम्फेटिक सिस्टम का बना हुआ है। ये सारे के सारे जो लिपिड्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द लिम्फोसाइट्स, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, क्योंकि वहां पे हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं वहां पे, टी लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं, तो ये एंटीबॉडीज भी बना रहे हैं, ठीक है। लिम्फ नोड एक्ट एज अ बायोलॉजिकल फिल्टर एज दे आर अ लाइन ऑफ मैक्रोफेजेस। अब लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, वो लाइन ऑफ मैक्रोफेजेस हैं, वो देखेंगे कोई बैक्टीरियल मटीरियल्स हैं वो उनको भी जो है वो इनगल्फ कर लेंगे वहां पे। अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए लिम्फेटिक सिस्टम की, हमने देखा जी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्ट कर रहा है कि जो चीजें रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही, वाटर को रिटेन कर रहा है, प्रोटीन को भी रिटेन कर रहा है, काफी सारी चीजें पैक कर रहा है, जीआईटी से लिपिड्स को भी ले रहा है, और उसके अलावा हमने देखा कि ये लाइन ऑफ डिफेंस में भी काम आ रहा है। लेकिन अगर इसी एरिया की हम देखें कि इसकी लिम्फेटिक्स की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इनकम्प्लीट ड्रेनेज ऑफ लिम्फ कॉज एन एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड ड्यू टू अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स। किसी सब्जेक्ट है, एक फीमेल ले लेते हैं हम, ठीक है, उसकी अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया लेफ्ट साइड का, तो उसकी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उसकी अगर लिम्फेटिक्स निकाल दी गई है तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, एडिमा होना शुरू हो जाएगा उसकी, क्योंकि वो तो ड्रेनेज ही नहीं हो रही वहां पे। सो इट कैन कॉज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स कैन कॉज एन लिम्फेडिमा। उसके अलावा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन लिम्फेटिक्स की एलिफेंटियासिस की वजह से, फ्लेरियासिस निमाटोड एक जो है वो पैरासाइट है, ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाके लॉज हो जाता है, ठीक है, वहां पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, स्पेशली लैग्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड, द लैग बिकम एक्सट्रीमली स्वेलन लाइक दिस, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक थी, यहां से इसने सारा होना था, लेफ्ट साइड से जाना था थोरेसिक डक्ट में, राइट साइड वाले सारे जाने थे राइट थोरेसिक में, लेकिन जनाब हुआ क्या, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है लिम्फेटिक्स की, तो क्या हो गया, उस फ्लेरियल नेमाटोड की वजह से ये एलिफेंटियासिस कॉज हो गया। अगर सर्जिकल रिमूवल हो गया है किसी चीज का, लिम्फ नोड्स का, लिम्फेटिक सिस्टम का, तो वो लिम्फ एडिमा कहलाएगा, लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से या इस फ्लेरियल की वजह से, पैरासाइट की वजह से हुआ है नेमाटोड, तो ये एलिफेंटियासिस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इनके ये लिम्फ एंजियोग्राफी अगेन एक प्रोसीजर है फॉर स्टडिंग द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड कंडीशन सच एज लिम्फोमास एंड मेटास्टेटिक डिजीजेस, इन सब में हम ये करवा रहे होते हैं लिम्फ एंजियोग्राफी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और एक भी हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर की, जैसे हमने बात की थी -3 नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर है। ट्रेडिशनली होता क्या है, हम देखते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज जो बॉडी के हैं ना, आपस में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। अब कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली वीक होते हैं एंड इवन समटाइम्स दे आर एब्सेंट इन मेनी प्लेसेस इन द बॉडी, पर्टिकुलरली एट द पॉइंट वेयर द टिश्यू स्लाइड ओवर अनदर, लाइक स्किन है, बैक ऑफ द हैंड और या फेस है, इवन एट दीज प्लेसेस द टिश्यूज आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है, विच इज एक्चुअली अ पार्शियल वैक्यूम, उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। व्हेन द टिश्यू लूज देयर नेगेटिव प्रेशर, अगर उसका नेगेटिव प्रेशर खत्म हुआ, आप यहां पर क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेशन हो जाएगी इन स्पेसिस के अंदर पानी की, वॉटर की, एंड दैट लीड्स टू एडिमा, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर, ठीक है, वो क्यों है, ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये अगर नेगेटिव है तो ये पार्शियल वैक्यूम है, इट कैन हेल्प द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू हेल्प टुगेदर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चला गया तो उसकी वजह से होगा क्या कि वहां पर उस वैक्यूम जो है नेगेटिव प्रेशर वो खत्म हो जाएगा और एडिमा वहां पे एक्यूमुलेट होना या फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहां तक सबको समझ आ गया है, यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन, मैं चैट में देख रही हूँ। अगर कोई बात यहां तक ना समझ आई है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं। लिम्फेटिक पंप, अच्छा जो लिम्फेटिक पंप है, टर्मिनल लिम्फेटिक कैपिलरीज आर कैपेबल ऑफ पंपिंग लिम्फ, इन एडिशन इसका काम क्या होता है जो लिम्फेटिक पंप है उसका, कि ईच टाइम व्हेन द एक्सेस फ्लूइड एंटर्स द टिश्यू
एंड कॉजेज द टिश्यू टू स्वेल. बात ध्यान से सुनिएगा, जो एंकरिंग फिलामेंट होते हैं वो पुल करते हैं वॉल ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरीज को एंड फ्लूइड फ्लो इनटू द टर्मिनल लिम्फेटिक कैपिलरी. ये लिम्फेटिक पंप की तरह काम करते हैं. अगर किसी टिश्यू में बहुत ज्यादा फ्लूइड आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, एंकरिंग जो फिलामेंट्स हैं जो मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया था वो क्या करते हैं, वो पुल करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज को और वो वहां से फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं कि जी ये लिम्फेटिक कैपिलरी में चले जाएं थ्रू द जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, उनको गुजारते हैं. And when the tissue is compressed, the pressure inside the capillaries increases and that causes overlapping. और ये जो endothelial cells की overlapping आ रही होती है, ठीक है? And ये basically जो pressure है, ये push कर रहा है lymphatic को forward into collecting lymphatics instead of backward flow. अब ये lymphatic pump होगा तो ये आगे की तरफ धकेल रहा है. सीधी सी अगर language में आपको बताऊं कि lymphatic pump ये जो endothelial cell की overlapping anchoring ये आगे को धकेल रहा है कि जी ये collecting lymphatic में चला जाए, ये जमा ना हो जाए. कि lymphatic pump जो है वो आगे धक्का दे रहा है, ये जो excess fluid आया है ना वो उसको इन एरिया से इन valve से गुजारता हुआ ये collecting lymphatics के अंदर उसको डाल रहा है ताकि ये ब्लड में एंटर हो जाए, यहाँ पे जमा ना हो. ठीक है वीरा, यू गॉट दिस पॉइंट? लिम्फेटिक पंप, यस गुड. एनीवन एल्स? निम्रा को भी समझ आई है? गुड. We have 8 minutes left. अभी भी अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. बच्चों, तो lymphatics का बेसिकली काम क्या है कि वो डायग्राम एक बार दोबारा बता दें पंप की. ओके वेट, अब इस डायग्राम में आ जाते हैं. यू कैन सी दिस एंडोथेलियल सेल्स, ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ये ओवरलैप करके यहाँ पे वेल्व बना रहे हैं. ठीक है, ये एंकरिंग फिलामेंट्स हैं यहाँ पे इन सेल्स के साथ साथ. ठीक हो गया. होता क्या है कि जब एक्सेस फ्लूड एंटर होना शुरू होता है ना इन एरिया से, तो ये वेल्व क्या होती है, ये ओपन हो जाती है, फ्लूड को अपने साथ एंटर करवा रही है. यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है, ये बीच में इन वेल्व के अंदर फ्लूड आ रहे हैं. हम नेक्स्ट चलते हैं एक और एक डायग्राम की तरफ. ठीक है, ये फ्लूड एंटर हो गया है इन वेल्व्स के जरिए यहाँ पर, और ये इस ये वेल्व्स जो है बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी से, और ये फ्लूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगी ताकि ये कलेक्टिंग लिम्फेटिक्स के अंदर आ जाए फ्लूड. और कलेक्टिंग लिम्फेटिक्स के अंदर आने के बाद अगर राइट साइड का है फ्लूड तो वो चला जाएगा राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, मेन जो डक्ट है उसकी, और लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाएगा, वहां से फाइनली ये वेन्स में जाके एम्प्टी हो जाएगा. दैट मींस कि फ्लूड यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर. ठीक है, ये कैपिलरीज इस फ्लूड को उठा के लिम्फेटिक सिस्टम में डालेगी, लिम्फेटिक सिस्टम से ये अपने मेन डक्ट्स में जाएंगे, उन मेन डक्ट्स में जाने के बाद ये चले जाएंगे ब्लड के अंदर. ठीक है, हमें किसी चीज से प्रिवेंट करना है कि जी यहाँ पे फ्लूड जमा ना हो, यहाँ पे एडिमा ना हो, तो ये जो पंप्स है ना बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लूड को यहाँ से मूव करवा के कलेक्टिंग लिम्फेटिक्स में डाल के इनकी मेन डक्ट्स में फेंकेगा उस एक्स्ट्रा फ्लूड को, वहां से वो वेन्स में चला जाएगा, मतलब मेन सर्कुलेशन में चला जाएगा. एंड हियर नो फ्लूड इज एक्यूमुलेटेड. जनाब ये डायग्राम आ गई समझ में? हेरा असलम मतियाना, यस गुड. और कोई बच्चा? अभी भी किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो वो बता सकता है कि उसे कोई डायग्राम नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया. अच्छा जी, कोई एक बच्चा, कोई भी बच्चा, I'm happy to see you all instead. लेकिन कोई मुझे ये बच्चा बताएगा कि जो कैपिलरी है उसकी इनवर्ड फोर्सेस कौन सी है जो कैपिलरी के अंदर मूव करवा रही है? जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि मुझे लगे कि आप लोग देख रहे हैं. मैम एक बार वो चलें बताएं. ये तो हो गया था पंप वाला. कोई बच्चा मुझे बताएगा कि फ्लड प्रेशर जो है वो कैपिलरी के
और इंटरस्टेशियल, कोई बच्चा इंटरस्टेशियल के लिख के बता दे मुझे कि इंटरस्टेशियल के जो प्रेशर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, और जो कैपिलरी के प्रेशर्स हैं, जो एरोज मैंने आपको उस डायग्राम में बताए थे कि एरो तो वो शो करता है कि जिस तरफ एरो है वो फ्लूड उस तरफ मूव कर रहा है. सो कैपिलरी प्रेशर जो है कैपिलरी के अंदर वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है. और जो कैपिलरी का प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द इनसाइड द कैपिलरी. सिमिलरली इंटरस्टेशियल में जो प्रेशर्स हैं, इंटरस्टेशियल फ्लूड प्रेशर, इट कैन कॉज मूव फ्लूड इनसाइड द कैपिलरी. और इंटरस्टेशियल फ्लूड के अंदर जो है क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो कॉज कर रहा है कि फ्लूड जो है वो मूव करे टूवर्ड्स इंटरस्टेशियम. एनीवन एल्स, आप मुझे इन चार प्रेशर्स के नाम लिख के बताएंगे और बताएंगे कि वो इनवर्ड जा रहे हैं या आउटवर्ड. पहले लिखेंगे आप लोग इनवर्ड प्रेशर्स और दूसरे लिखेंगे आप आउटवर्ड प्रेशर्स. जनाब, गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे लग रहा है गर्ल्स ज्यादा उससे सुन रही हैं क्योंकि वो आंसर भी कर रही हैं मुझे. आयशा भी, आयशा ने तो शायद किसी और को हाफिज किया हुआ है. विरा हुसैन है, निम्रा है, आउटवर्ड प्रेशर्स, नायला अब्दुल वहीद, यस, कैपिलरी प्रेशर आउटवर्ड है, हिरा असलम ने बताया है, बिल्कुल आउटवर्ड है फ्रॉम द कैपिलरी टूवर्ड्स द इंटरस्टेशियम, गुड. अच्छा नायला अब्दुल वहीद, आप बताएंगी मुझे कि जो आपने आउटवर्ड प्रेशर्स लिखे हैं वो कौन कौन से हैं. अच्छा जी, हिरा असलम बता रही हैं कि प्लाज्मा कोलोइड जो है वो आउटवर्ड है. प्लाज्मा कोलोइड फ्रॉम आउटवर्ड टू इनसाइड है वो, हिरा असलम. विरा हुसैन, इंटरस्टेशियल फ्लूइड प्रेशर इनवर्ड्स, गुड. टूवर्ड्स कैपिलरी, गुड. विरा हुसैन, गुड. नायला अब्दुल वहीद, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. आउटवर्ड प्रेशर्स, विच वन आर दीज? नायला, आ कैपिलरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कोलोइड आउटवर्ड, गुड. चलो जी, हिरा असलम ने बताया है दोबारा कि नायला अब्दुल वहीद, यू आर गुड. एंड हिरा असलम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर आउटवर्ड्स. जनाब, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आउटवर्ड है, बिल्कुल ये इंटरस्टिशियम की तरफ आ रहा है, शाबाश. तो मेरे ख्याल में लड़कियों को तो काफी समझ आ गया है. मेरे ख्याल में लड़के जो है वो ऑन करके शायद जा चुके हैं, आई डोंट नो. किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया. बॉयज, आर यू लिसनिंग? बॉयज जनाब कोई आंसर नहीं दे रहे, हालांकि 35 पार्टिसिपेंट्स हैं. अब्दुल्ला नईम भी हैं यहाँ पे मौजूद, बट ही इज नॉट आंसरिंग. अहमद जावेद हैं, नॉट आंसरिंग. अतीबुर रहमान भी हैं, एंड मजहर भी हैं, और बॉयज के नाम ले रही हूँ मैं कि सारे मौजूद हैं, बॉयज आर नॉट आंसरिंग. शाहिद नवाज एंड जीशान खादिम, सो बॉयज आर नॉट आंसरिंग. मैम, चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें. किस चैप्टर की, इसी चैप्टर की बात कर रही हैं आप? इसका नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर आना चाहिए, जो लिम्फेटिक पंप की जो डायग्राम है ये आनी चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर है जेल वाला वो आना चाहिए, सारा ही इंपॉर्टेंट है ये तो चैप्टर. इसकी जो जो लेक्चर में जो जो चीजें इंक्लूड की गई वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आयशा, कादरिया, जावेद, अच्छा, गुड, ठीक है. चलो जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं आपसे. फ्रॉम 12 to 1, चैप्टर 12 नहीं करवाना, कराना वो कैसे, किसी ने भी नहीं करवाया चैप्टर 12. वेट,
चैप्टर 12 जो है आप लोगों का कार्डिक मसल वाला, ईसीजी के इंटरप्रिटेशन है ना वो हम अलग से नहीं करवाते, इसमें वेक्टोरियल एनालिसिस होता है बेटा, तो वो हम अलग से नहीं कराते, इसमें सिर्फ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ईसीजी एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इसमें जो वेक्टर्स है ना वो हम नहीं करवाते, वो वेक्टर्स हम एमबीबीएस वालों को भी नहीं करवाते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्स हो जाती है। आपको इसकी जो ईसीजी इंटरप्रिटेशन है ना वो दो चैप्टर्स हो जाते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वही कीजिएगा। इसमें से हम बहुत थोड़ी सी चीजें जे पॉइंट उठा लेते हैं, एक आध और पॉइंट उठा लेते हैं, ये फुल चैप्टर वैसे भी नहीं होता, वेक्टोरियल एनालिसिस हम नहीं कराते होते वैसे, ठीक है। फिर आप ओके गुड, अल्लाह हाफिज, सी यू सून इंशाल्लाह टुमारो, अल्लाह हाफिज मरियम। गुड, अल्लाह हाफिज विरा निमरा, आई एम हैप्पी यू ऑल आर वेरी इंटरेक्टिव, आयशा निमरा विरा निमरा मरियम, अल्लाह हाफिज।